अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, इट्स मी मान पाटना। वेलकम टू अनदर व्लॉग, वेलकम टू मान पाटना व्लॉग। कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे, अल्लाह पाक आप सबको अपने फिजमान में रखे। और आज हमारा शाम से लेकर रात तक जो है ना, समझ ले चैलेंज था, पर चैलेंज नहीं था, छत में बैठने का था। और इतनी मज़े की प्यारी हवा चल रही ना, यकीन मानो मुझे अभी से नींद आ रही। और हालांकि मैं जल्दी सोती नहीं हूँ, ब्लॉग व्लॉग एडिट करके ही सोती हूँ। तो खाना शाना हम खाएंगे, अभी फिलहाल मामा नीचे गई हुई है, फिर इंशाल्लाह हम छत में बैठते हैं और टाइम अच्छे पास रन हो जाता है, गुजर जाता है। और हवा माशाल्लाह बहुत प्यारी है, अल्लाह से है कि बस बारिश कर दे, इतना ठंडा मौसम हो जाएगा ना तो सुकून आ जाता है। तो जैसे जैसे ईद करीब आ रही है, तो जैसे इतनी ज़्यादा गर्मी पड़ रही थी ना, तो सुनने में आया कि गर्मी जो लोड करके लेकर आए थे जानवर आउट ऑफ सिटी से, पास फैसलाबाद या पता नहीं कहाँ कहाँ, तो उनके जानवर बेहोश हो गए, गिर गए, कुछ तो कहीं जानवर मर गए गर्मी की वजह से। तो मेरी यही गुजारिश है कि जैसे ईद आती है तो जो जो जानवर की कुर्बानी कर रहे हैं, तो उन्हें चाहिए कि वो अपने जानवर की हिफाजत भी किया करें, उनका पानी अच्छे से पिलाना, खाना अच्छे से खिलाना, उनको नहलाना कि गर्मी ना लगे, उनको कूलर में आगे बिठा दिया करें, फ़ैन लगा दिया करें। क्योंकि जैसे हम लोग इंसान हैं, हम लोगों को एक एक चीज़ की होती है ना कि हवा चल जाए तो सुकून आ जाता है, इस तरह जानवर को भी होता है कि थोड़ा बहुत उनको हो जाता है। तो जो कुर्बानी करते हैं तो उन्हें अपने जानवर की बहुत ज़्यादा हिफाजत करनी चाहिए। हमने पिछले साल लिया था, और यकीन माने मेरी मम्मा, हम सब अदना, हम सब बहुत उसकी केयर करते थे, और फ़ैन लगा देना। और हमारे से तो हर जानवर इतना अटैच होता ना कि जब कुर्बानी करते थे ना हम लोग, तो हमारा दिल ही नहीं करता था कि उसको भेजे। तो मैंने लास्ट जब हमने पकड़ा लिया था, उसका नाम हमने शेरू रखा था, वो इतना प्यारा था माशाल्लाह। और अल्लाह की राह में कुर्बान करना होता है, अल्लाह पाक सबको तौफीक दे। और क्या कहते हैं, मौसम बहुत अच्छा हो, बारिश हो जानी सुनने में आ रहा है। अगर बारिश हो गई तो ये तो बहुत अच्छा हो जाएगा कि भाई हमारी व्लॉग श्लॉग और बन जाएंगे और मज़ा आ जाएगा। और अभी तो आप लोगों को मैंने अपनी ईद कलेक्शन भी दिखानी है, तो वेट किस बात का, जल्दी से आए भाई, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, ढेर सारा प्यार दें। और नीचे जाने का बिल्कुल मूड नहीं हो रहा। अब मैंने खाना भी जो है वो हॉटपॉट खा लिया, सब कुछ खा लिया, फिर हम नीचे गए थे थोड़ी देर के लिए भाइयों को देखने, उसके बाद हम ऊपर आ गए। और जैसा सिस्टर डे था तो मैंने सोचा था आज केक बना लूँ, बट यार क्या सिस्टर डे भी मुझे काम करना पड़े। फिर मैंने नान को रमेश के नान ने मुझे शॉर्मा ला के दे दिया। और भाई हो तो ऐसे हो, अल्लाह पाक मेरे तमाम मेरे तीनों भाइयों को लंबी ज़िंदगी दे और अपने जुमान रखे और बहुत ज़्यादा कामयाबी तरक्की दे। चलिए जी, इसके साथ ही व्लॉग का आगाज़ करते हैं। बना रहे हैं भिंडी, मामा ने वॉश कर ली थी, अब मैं इनको देने लगी ताकि कट करें। और ये इनका इस कैमरे में कितना अच्छा कलर है ना माशाल्लाह से। अच्छा जी, मौसम इतना ज़्यादा प्यारा हो गया, ये देखिए हवा माशाल्लाह इतनी प्यारी चल रही है, और हम छत में बैठ के चाय पी रहे हैं। और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कुछ गर्मी कम हुई, लेकिन अगर बारिश हो जाए तो और मज़ा आ जाएगा। और अभी हम लोग चाय के ऊपर आ गए, चले देखते हैं कि चाय के साथ क्या। हमारे मोस्ट फेवरेट पापड़ और साथ बेकरी के बिस्किट है कुछ, और चाय। लेकिन बेकरी के बस हमें से कुछ कम खाते हैं, बाकी सारे कुछ खा लेते हैं। मामा खाती मोस्टली, ज़्यादा उनके फेवरेट हैं, और हमारे लिए पापड़ फ्राई कर देते हैं। अच्छा जी, कुछ दिन नहीं, मैंने पिछले ब्लॉग लगाया था जिससे मैंने ये बोला था हु इज़ माई फेवरेट यूट्यूबर। उस यूट्यूब का मैंने एक पिक्चर लगाई साथ, लेकिन उसके मैंने इमेज लगा दी जिनको पता लगे। तो मैंने ये भी बताया था कि वीडियोज़ में कि कौन है मेरी फेवरेट यूट्यूबर, सितारा यासीन का मैंने बताया था। तो बहुत सारे लोगों ने इस बात ने भी उठाया, कुछ ने नेगेटिव बोला, कुछ ने अच्छा बोला। देखिए, हर किसी की अपनी फेवरेट यूट्यूबर होती है, मेरी अपनी है, तो आप लोगों की अपनी है, तो मैंने अपने बता दी ज़्यादा बेहतर। तो आप लोग वीडियो को इस तरह नेगेटिव जज ना किया करें, आप उसका पॉइंट देखा करें कि किस बात में बात करें। तो हमेशा उस इंसान को सपोर्ट करना चाहिए जो मेहनत करता है, और मैं भी मेहनत कर रही हूँ, कोई मुझे भी सपोर्ट करता होगा। लेकिन हमेशा मेरी जो फेवरेट यूट्यूबर, मैंने सबका नाम लिया था, सभी अच्छे हैं, लेकिन जो मोस्ट फेवरेट है वो सितार यासीन है, और एक है अमारा और राष्ट्रा मलिक। ये तीन हैं जिनके ब्लॉग्स मैं देखती हूँ, जिनके देखने में मज़ा भी आता है और कुछ सीखने को मिलता है। पी रहे हैं और ये दोनों देखें इंजॉय करें, एक टैप लेकर आई लेकर। महा महा बात सुनो, महा लोग पूछ रहे हैं महानूर की बर्थडे कब है। 1 जुलाई, 1 जुलाई को है ना। और अब हम नहीं जाइए, हवा का अंदाज़ आप देख सकते हैं माशाल्लाह, इतनी तेज़ चल रही है और बिल्कुल ठंडी, बस बारिश हो जाए तो मज़ा आ जाए, गर्मी यूँ ख़त्म हो जाएगी। सिस्टर डे के लिए नान ने हमें ट्रीट दी है, एक मानूर का शर्मा, एक मेरा, ये देखिए मानूर का और ये मेरा।
टाइम का अंदाज़ा लगा सकते हैं, रात के बज रहे हैं 2। इन दोनों को जी एक्स वर्स की पड़ी हुई, ये जो है ना 2 बजे इसको दोहरा पड़ा है एक्स वर्स लगाओ, ये चक्कर इनकी क्या। सिस्टम कौन खेलता गेम है यार, और इनकी गेम चल रही है, अदनान स्टिल हारी जा रहा है। मुझे बताइए ये किसकी फेवरेट किसकी नई फेवरेट, मैं भी खेलूँ।